नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 14 फरवरी की PIB के साथ हम हाजिर हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। देखिए, 14 फरवरी को क्या था, छुट्टी था, तो इसलिए न्यूज़ बहुत कम है। तो हम 7 और 8 फरवरी को भी जो PIB में आया था वो भी हम चूंकि पिछले क्रम में चल रहे हैं, हमको पूरा एक साल का PIB कवर करना है, तो हम 2-3 दिन का और इसमें शामिल करके डिस्कस कर लेंगे। समय आज भरपूर है। और इसी के साथ एक दो चीज़ें मैं आपको और बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे चैनल पे नंबर ऑफ़ वीडियोस ज़्यादा हैं, ज़्यादा वीडियोस आ रहे हैं, ज़्यादा हैं नहीं मतलब आ रहे हैं, डेली 4 से 5 के साथ बीच में आ रहे हैं, 10-10 मिनट के, 15-15 मिनट के। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है, देखिए, एक तो एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, दूसरा हमें इम्पोर्टेंस पता है कि कौन कौन सी चीज़ कहाँ से पूछी जाएगी। तो आप समय निकाल करके विश्वास करते हुए कम से कम, अगर आप अभी 10 घंटे पढ़ रहे हैं, तो मैं नहीं करता कहता कि आप बाकी चीज़ों में से समय घटा करके और हमारे चैनल पर दीजिए। आप थोड़ा समय बढ़ा करके 10 घंटे 30 मिनट कर लीजिए, ठीक है। सोने का घंटा अपना 30 मिनट कम कर लीजिए, ठीक। वो चीज़ें आप यहाँ यूज़ कर लीजिए। नंबर ऑफ़ वीडियोज़ ज़्यादा आ रहे हैं तो आप फॉलो कीजिए, ठीक है। दूसरी बात, अगर मैं बताना चाहता था पढ़ाने की स्टाइल को लेकर के। देखिए, बहुत सारे लोगों को थोड़ा समस्या है सर की फोनेटिक्स से लेकर के और आवाज़ से लेकर के, और क्या दिक्कत क्या है उनकी कंटेंट डिलीवरी में, आप लोगों को हो सकता है पसंद ना आए। तो मैं एक चीज़ बता देना चाहूँगा, अच्छी चीज़ तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं, आपको फील नहीं होगा, किसी भी अच्छी चीज़ का अच्छा फील तो आ ही नहीं सकता। तो आप कंटेंट पर ध्यान दीजिए, वो क्या बोल रहे हैं उसको अक्षर से फॉलो कीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बोल रहे हैं उसको जरूर नोट कर लीजिए आप प्रॉपर पेपर पे। आप ट्रस्ट कीजिए, मैं खुद भी नोट करता हूँ, क्योंकि हूबहू ऐसे सेंटेंस वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तीसरा, नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स, देखिए हमारे वीडियो में 150 के आसपास वीडियो पहुँच चुके हैं, हमारे चैनल पर सब्सक्राइबर हैं 90 टोटल। तो अभी YouTube में कुछ पॉलिसी जैसा कुछ चल रहा है प्रॉब्लम की, जब नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स लो रहते हैं तो वो नोटिफिकेशन पुश नहीं कर रहे हैं। हम वीडियो अपलोड कर देते हैं लेकिन आपको पता नहीं चल पाता है, कभी कभी हमें भी नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो एक टेक्निकल इशू है। कभी कभी हम मोर देन 20 मिनट्स का वीडियो अपलोड करना चाह रहे हैं तो यूट्यूब प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अभी हम इस समस्या से जूझ रहे हैं, आप भी थोड़ा बियर करिए। आप रेगुलरली जब भी आपका देखने का मन करे तो एक बार प्लीज़ चैनल पर जा करके देख लीजिए कोई नया वीडियो तो नहीं आया हुआ है, क्योंकि अभी ये इशू हम फेस कर रहे हैं कि हमारा नोटिफिकेशन नहीं जा रहा है, नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर्स कम है। इसलिए तो चूँकि चैनल का प्रचार मैं करता नहीं हूँ, कारण ये है कि जिसको पढ़ना है वो वही इस चैनल पर रहे, अनावश्यक भीड़ नहीं बढ़ानी है। तो चाहे सब्सक्राइबर 10 ही रहें लेकिन वो 10 कायदे से तमीज से पढ़ने वाले लोग रहें। तो आप कम से कम इतना बर्दाश्त कर लीजिए, चैनल पर जा करके प्लीज़ देख लिया कीजिए कोई नया वीडियो आया है या नहीं, ठीक है। आज की खबर शुरू करते हैं। कल हमने आपको बताया था कि राष्ट्रपति महोदय जाकर उत्तर प्रदेश में एग्रीकॉन 2018 और एग्री एक्सपो 2018 का उद्घाटन करने वाले हैं। तो कल उन्होंने उद्घाटन कर दिया उसका, कहाँ, चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी CSAUT है, कहाँ पे, ये कानपुर में। कंठस्थ के लिए यूपी के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो एक लेक्चर दिए हैं VSSD कॉलेज कानपुर में। ये दोनों खबरें याद रखिएगा, हमने आपको पढ़ाया भी था, रिविज़न हो गया। फिर देखिए, एक बजट में अनाउंस हुआ था वेंचर कैपिटल फंड फॉर OBC अदर बैकवर्ड क्लास के लिए, कितने रुपए का हुआ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपी में पूछना होगा तो पूछ लेगा, 200 करोड़ का था। वेंचर कैपिटल फंड SCs के लिए भी लॉन्च हो चुका है पहले। तो अब सवाल उठता है वेंचर कैपिटल फंड्स क्या होते हैं, ये हैं क्या, ये इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं। जाहिर सी बात है, कैपिटल फंड मतलब ये पैसा लगाने का ही फंड है, लेकिन ये कैसे फंड होते हैं जो मैनेज करते हैं आपके पैसे को, इन्वेस्टर्स मतलब आप इन्वेस्टर हैं तो आपके पैसे को मैनेज करेंगे, किस में मैनेज करेंगे, स्टार्टअप्स में या स्मॉल टू मीडियम साइज इंटरप्राइजेस विद स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पोटेंशियल। मान लीजिए कि यूट्यूब चैनल है, ठीक है, यूट्यूब चैनल ही है, मेरा ही चैनल है, मान लीजिए मुझे पैसे की आवश्यकता है तो मैं एक वेंचर कैपिटल वाले को संपर्क करूंगा। वो क्या करेगा, मार्केट में लोगों को बताएगा कि एक एजुकेशनल चैनल आया है, स्टार्टअप है, जिसको पैसे की ज़रूरत है, जिसका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है, ठीक है, संभावना है कि ये अच्छा ग्रो करेगा, इसमें रेट ऑफ रिटर्न ज़्यादा मिलेगा। अब मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरी कुछ मार्केट में की वैल्यू तो है नहीं, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा ऑफर करना पड़ेगा ना। और वही कोई अच्छा चैनल वो आकर के ऑफर करेगा तो उसका, मान लीजिए दृष्टि IAS ऑफर करेगा, तो उसका तो नाम है, उसको सस्ते मतलब कम पैसे में, कम ब्याज में भी ऋण मिल जाएगा, मुझे ज़्यादा ब्याज चुकाना पड़ेगा, लेकिन मैं रिटर्न भी तो अच्छा दूंगा, अगर मतलब मुझे फ़ायदा होगा तो मैं उसी ब्याज पर रिटर्न भी अच्छा दूंगा।
तो इनका ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा होता है, तो उसी में वेंचर कैपिटल फंड पैसा लगाते हैं। ये अलग, ये एक और टर्म आता है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स से अलग होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स आता है और एक आध दो और टर्म आता है, वो हम धीरे धीरे देखते रहेंगे। अभी वेंचर कैपिटल फंड के बारे में आप समझ लिए, ये नया जो नई एंटिटी होती है उसमें पैसा लगाते हैं। हाँ, अगर आप इसको देखना चाहें कि इसकी हिंदी क्या होती है वेंचर कैपिटल फंड की, तो इसकी हिंदी देख लेते हैं हम फटाक से, हो सकता है आपको यहाँ से समझ में आ जाए। उद्यम पूंजी कोष वेंचर कैपिटल फंड, आप पता नहीं यहाँ से आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। देखिए, वेंचर कैपिटल फंड के बारे में मैंने आपको बहुत समझा दिया, ये सीड कैपिटल इन्हीं को बोलते हैं। सीड कैपिटल का मतलब जो बीज बोया जाता है, सीड का मतलब बीज होता है ना। जैसे कोई भी आप एंटिटी लगाते हैं तो उसमें कैपिटल यानी कि पैसे की जरूरत होती है। इनिशियल स्टेज में जो पैसा लगाता है वो सीड कैपिटल, उस पैसे को बोला जाता है। वो पैसा लगाने वाले होते हैं आपके वेंचर कैपिटलिस्ट, ठीक है, इतना आप पैसा समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट आता है। आपने आजकल देखा होगा कि एक केसर का दम मिलेगा आपको दाने दाने में। अब आप सोचिए कि 2 रुपए के पान मसाले में आपको केसर कहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो ये सब क्या है, एकदम वाहियत टाइप की चीज़ें हैं। 3 महीने में आपको क्या कर रहे हैं, गोरा एकदम, आप मतलब क्या वो अफ्रीकन जो निग्रोइड रेस होती है उससे आप कौन सी रेस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मंगोलाइड में, कोई एक क्रीम लगाएंगे। तो ये सब क्या है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अब इसको कर्व करने के लिए, जब ये बहुत अत होने लगी तो इसको कर्व करने के लिए इन्होंने एडवर्टाइजमेंट एक संस्था बनाई, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया, आस्काई। लेकिन ये गवर्नमेंट संस्था नहीं है, याद रखिएगा, एक मतलब नॉन गवर्नमेंट एंटिटी है, ये एडवर्टाइजिंग एजेंसियों का कंसोर्टियम है। इसमें आप जाके शिकायत कर सकते हैं कि भैया हम 3 महीने क्रीम लगाए, हम गोरे नहीं हुए, ठीक है, तो वो उसके खिलाफ कुछ एक्शन ले सकती है। अगर आप सरकारी जगह शिकायत करना चाहते हैं तो उसका पोर्टल है ग्रीवांस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, गामा, गामा पोर्टल। देखिए, यूपीएससी और यूपीपीसीएस डायरेक्ट, सॉरी, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है कि गामा पोर्टल किससे रिलेटेड है। तो आप समझ लीजिए ये मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है, याद रखेंगे, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है गामा पोर्टल। आपको क्वेश्चन में से फंसा दिया जाएगा कि गामा पोर्टल एक्सरे से रिलेटेशन है, गामा पोर्टल कुछ मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। तो गामा पोर्टल किससे रिलेटेड है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड है। कौन मेंटेन करता है, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, याद रखेंगे, कौन से मंत्रालय में आएगा, ऑब्वियसली जो कंज्यूमर अफेयर्स लिखा ही हुआ है। इन सब का जो ज्यूरिसडिक्शन होता है वो कौन से कानून पे लागू होता है, ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टाइजमेंट एक्ट 1954, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940, इन सब पे लगता है। अभी हाल ही में, अब न्यूज उसमें क्या थी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एमओयू साइन किया आस्काई के साथ, एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ, कि सुओ मोटो ये मॉनिटरिंग कर सके मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। अभी क्या है, अभी आप शिकायत करेंगे तब वो एक्शन लेगा, लेकिन अब जो एमओयू हुआ है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एमओयू का ही फुल फॉर्म एक बार यूपी में पूछा जा चुका है। मजे की बात यह है, ये क्या है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसमें हिंदी अनुवाद भी नहीं दिया गया था इसका। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट केस में अब सुओ मोटो मतलब खुद से संज्ञान ले लेगा, स्वतः संज्ञान जिसको हिंदी में बोलते हैं, स्वतः संज्ञान ले लेगा कार्रवाई करने के लिए, ठीक है। तो किस तरह के एडवर्टाइजमेंट, कि आपको दाने दाने में केसर का दम नहीं बताएंगे वो। उन्होंने देखिए मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट की, आपने अगर नोटिस किया हो तो शुरू शुरू में आता था दाने दाने में केसर का दम, फिर आने लगा केसर की महक, ठीक है, फिर आने लगा केसर का फील। अब धीरे धीरे ऐसे चेंज कर रहे हैं वो, क्यों, क्योंकि दाने दाने में केसर का दम कहाँ से लाएंगे, 2 रुपए के गुटके में। अगली खबर में चलते हैं। देखिए, सेक्शन तो आपको याद रखना जरूरी नहीं, 135 याद रखिए, कंपनीज एक्ट 2013, आपको थोड़ा सा रिवीजन करा दूं मैं इसका। मैंने सेक्शन 8 आपको बताया था किससे रिलेटेड है, वो कंपनियां जो नॉट फॉर प्रॉफिट बनाई जाती हैं। तो इसी तरह से सेक्शन 135 कंपनी जो, सेक्शन 135 किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से, याद रखेंगे, कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से कंपनीज एक्ट 2013 के तहत बना हुआ है। सीएसआर फंड क्या होते हैं, सीएसआर फंड वो होते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एक कंपनी खोली और कहीं जा करके उद्योग लगा दिया किसी क्षेत्र में, वहां से मैं X रुपीज मुनाफा कमा रहा हूँ,
तो अब वो उस मुनाफे का, बुक प्रॉफिट का 2% इस कंपनीज एक्ट के तहत है। अगर आप मिनिमम इतना रुपए कमा रहे हैं तो 2% उसका उस क्षेत्र की, मतलब CSR फंड में दीजिए, CSR फंड में दीजिए, और जिले का DM बताएगा। CSR फंड की एक लिस्टिंग होती है कि इस चीज़ में आप इन्वेस्ट करें, इस चीज़ में आप पैसा खर्च करेंगे तो CSR फंड माना जाएगा। DM की अनुमति लीजिए और वहाँ स्कूल कॉलेज में कुछ योगदान दीजिए, टॉयलेट बनवाइए। तो स्वच्छ भारत में ही पैसा देना CSR फंड में भी आता है। फिर आगे देखिए, हेड इसका एक है, इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक एविएशन मेट्रोलॉजिकल सिस्टम IAAMs। ये सिस्टम INS गरुड़ा पे उद्घाटन किए, उतनी इम्पोर्टेंट न्यूज़ तो नहीं थी, बट ये INS गरुड़ा आप याद रखिए, ये इस पर इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक एविएशन मेट्रोलॉजिकल सिस्टम, इसकी हिंदी जब पत्रिकाएं आएंगी तो आ जाएगा, अभी के लिए याद रखिए कि INS गरुड़ा पर ये एक ऑटोमेटिक एविएशन मेट्रोलॉजिकल सिस्टम लगाया गया है। आगे देखिए, एडमिरल सुनील लांबा ये कहाँ गए हैं, सऊदी अरेबिया की विजिट पे गए हैं। प्रश्न पूछ लिया जाएगा यूपी में आरओ के एग्जाम में कि हाल ही में नेवी के जो चीफ हैं उन्होंने किस देश की यात्रा की, उन्होंने सऊदी अरब की यात्रा की, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए बजट सेशन का फर्स्ट, बजट सेशन ही ऐसा सेशन है पार्लियामेंट का जो दो पार्ट में चलता है, पहले पार्ट में जिसमें बजट पेश होता है और दूसरे भाग में जिसमें बजट पर चर्चा और उसको पास किया जाता है। ठीक है, ऐसे जो सेशन होते हैं या संसद का सत्र होता है उसके बारे में क्या लिखा गया है कि 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। तो कुल हमारे यहाँ 3 सेशन चलते हैं कन्वेंशन के हिसाब से। सब साल का शुरुआती यानी कैलेंडर ईयर का शुरुआती सेशन कौन सा है, बजट सेशन। दो पार्ट में चलता है, पहले में बजट पेश हो जाता है, अगले में क्या होता है चर्चा होती है और उसको पास कराया जाता है। ठीक है, तो जब पहला फेज खत्म हुआ तो खबर आई, खबर क्या आई 7 तारीख 8 तारीख को कि एडजर्न किया जाएगा, मतलब कि उसको रोका जाएगा, पहले फेज को खत्म किया जाएगा। साइनेड आई, साइनेड आई का क्या मतलब होता है कि जहां जैसे वैसे बंद कर दिया गया और ये भी नहीं बताया गया कि कब आगे मिलेंगे, विद नो अपॉइंटेड डेट ऑफ रिजम्पशन। तो साइनेड आई का मतलब ये होता है, आप थोड़ा अंग्रेजी भी जानते रहिए। अब इस दौर दोबारा ये कब मिलेंगे, प्रपोज्ड है 6 अप्रैल 2018 को, बट उससे बीच में क्या करेंगे, ड्यूरिंग द रिसेस द डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज। ये मैं वो खबरें लेके आया हूँ जो आपको बैकग्राउंड में चेक करना है। डिपार्टमेंट रिलेटेड बैकग्राउंड स्टैंडिंग कमिटीज ये क्या होती है, ये ऐसी कमिटीज हैं जो हर डिपार्टमेंट और मंत्रालय अपना पैसा मांगता है ना कि हमको साल भर चलाने के लिए ये पैसा दो, तो उस पैसा जो वो मांगता है उसको बोलते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स, डिमांड फॉर ग्रांट्स। लेकिन अब ऐसा नहीं कि मैं ही जाके बोलने लगूँ मेरे मंत्रालय को 100 रुपया दे दीजिए आप इस सत्र में, तो 100 रुपया तुरंत नहीं दे दिया जाएगा। उसके लिए डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं जो उसकी परीक्षा करेंगे कि भैया आप जो मांग रहे हो जायज़ है कि नहीं, क्यों किस लिए मांग रहे हो। ठीक है, इसमें सत्ता पक्ष के लोग भी होते हैं, विपक्ष के लोग भी होते हैं। अब आपका होमवर्क क्या है इसको देखेंगे लक्ष्मीकांत या जो भी आपके पास बुक है कि डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज में क्या कोई मंत्री मेंबर हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए फिर देखिए, साल के पहले सत्र को और लोकसभा के गठन के पश्चात पहले सत्र को प्रेसिडेंट संबोधित करते हैं। जब वो संबोधित करते हैं तो अब अलग अलग जा करके दोनों में संबोधित करने के बजाय वो क्या करते हैं, दोनों हाउसेस की सीटिंग बुला लेते हैं एक साथ, ज्वाइंट सीटिंग। ठीक है, तो ज्वाइंट सीटिंग बुला करके उनको संबोधित करते हैं। ज्वाइंट सीटिंग कब कब नहीं हो सकती क्या आप जानते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एंड संविधान संशोधन करना हो तो क्या ज्वाइंट सीटिंग बैठ सकती है, जी नहीं। मनी बिल पर बैठ सकती है, जी नहीं, समझ रहे हैं आप। बाकी किसी को इम्पीच करना हो तो क्या ज्वाइंट सीटिंग में इम्पीच किया जाएगा, नो, बिग नो। हुनर हाट का उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया, कहाँ पर हुनर हाट लगा था, कनॉट प्लेस पे लगा था। यहाँ पर देखिए खाने पीने की भी, विश्व पूरे भारत भर का खाना पीना यहाँ पे खिलाया जाता है, हर छोटी छोटी चीज जो रूरल ट्राइबल एरिया में बनती है उसका हाट लगाया जाता है। हुनर देखिए, हुनर हाट मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर लगाया जाता है, ये आपकी खबर हो गई। इसका थीम था डेवलपमेंट विद डिग्निटी, ये आप याद रखेंगे, हुनर हाट ऑर्गेनाइज करता है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर और इसकी थीम थी डेवलपमेंट विद डिग्निटी। अब आपके लिए जानना क्या जरूरत है, देखिए हुनर, किसी हुनर को प्राप्त करने में एक पूरी 4-5 पीढ़ी खर्च हो जाती है ना, और वो उस एरिया के लिए मतलब वरदान साबित होती है अगर उसको बढ़ावा दिया जाए, नहीं तो वो धीरे धीरे वो हुनर खत्म मर जाता है।
अब यूपीएससी यानी आईएएस का प्रीलिम्स इस कल्चरल जो डोमेन है भारत का, उससे फेवरेट प्रश्न उठाता है। मैं आपको कुछ बता देता हूँ, जैसे बंदेज गुजरात राजस्थान का है, कलमकारी डायरेक्टली प्रश्न 2015 में पूछ लिया गया था, साउथ इंडिया में एक कपड़े पर कढ़ाई करने का ये तरीका है कलमकारी। अब सवाल उठता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, कांता कश्मीरी आर्ट, लिमन ड्रेस, महेश्वरी प्रोडक्ट, मार्बल क्राफ्ट, तो जितना एटलीस्ट न्यूज़ में रहे उसको तो आप जान ही लीजिए। इसको ये आपको दिखाई दे रहा होगा, इतना आप नोट कर लीजिए, चंदेरी सिल्क और चिकन करी, कारपेट, गीजा मटका सिल्क, ग्लास वेयर, फिर आपको सर्च करना है कि इक्कत, मुरादाबादी, मद्रासी ब्रास वर्क। मद्रासी ब्रास वर्क तो ऑब्वियसली तमिलनाडु का ही होगा। जयपुरी जूती, अब जयपुरी जूती जयपुर से ही रिलेटेड होगी। कच्छ एम्ब्रॉयडरी, कच्छ कहाँ पे है? गुजरात में। और दो ही चार चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको गूगल पे देखनी पड़ेंगी, बाकी तो नाम से ही ये पता चल जाता है। और हाँ, जो एनसीईआरटी में जिसका जिक्र हो, जिस आर्ट फॉर्म का, उसको तो आप जरूर से जरूर याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक ऐप है फ्लाई एश मोबाइल एप्लीकेशन, याद रखिएगा, ए एस एच ट्रैक। देखिए, थर्मल पावर प्लांट से एश यानी कि राख निकलती है, तो वो राख को बहुत अधिक मात्रा में राख निकलती है, कोयला जलता है और भारतीय कोयले में ऐश के कंपोनेंट ज़्यादा भी हैं, तो उसको मॉनिटर करने के लिए, उसका प्रॉपर यूज यूटिलाइजेशन करने के लिए एक फ्लाई ऐश मोबाइल एप्लीकेशन, उसका नाम है ऐश ट्रैक, याद रखेंगे ऐश ट्रैक। समराइज कर लेते हैं, ऐश ट्रैक हमने देख लिया, हुनर हाट देख लिया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ये समझ लिया, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी ये आपकी सेल्फ स्टडी में मैंने छोड़ा है, ये क्या करते हैं, एग्जामिन करते हैं डिमांड फॉर ग्रांट्स को, सुनील लांबा चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, ये इंडियन नेवी के जो चीफ हैं वो कहाँ गए हैं, वो गए हैं सऊदी अरब। देखिए, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और चीफ ऑफ नवल स्टाफ, ये दोनों पद पर एक साथ कैसे हैं, तीन हमारी जो तीनों सेनाएं हैं उसके प्रमुख होते हैं, वायुसेना, थल सेना और नेवी, इंडियन नेवी, इन तीनों के प्रमुखों में जो सबसे सीनियर होता है उसी को बोलते हैं चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, याद रखेंगे ये चीज़। अपने विभाग के तो वो प्रमुख होते हैं बट तीनों में जो सबसे सीनियर होता है उसको चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी बोलते हैं। उसके बाद इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक एविएशन मेट्रोलॉजिकल सिस्टम IAAMS, ये INS गरुड़ा पर लगाया गया है। कंपनीज एक्ट में हमने बात की सेक्शन 135, इसमें कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर हमने बात की ग्रीवांस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, गामा पोर्टल किससे रिलेटेड है, मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड गामा पोर्टल है। फिर हमने सीड कैपिटल वेंचर कैपिटल फंड की बात की, और प्रेसिडेंट गए थे कहाँ पे, कानपुर में चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी और VSSD कॉलेज कानपुर में। तो PIB में सरकारी न्यूज़ में आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच। हाँ, एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी वीडियो हमारे आ रहे हैं आप खुद से चैनल पे जाके देख लिया कीजिए, नोटिफिकेशन में कुछ समस्या है क्योंकि नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स कम है। अभी के लिए थैंक यू सो मच, और नोट करते रहिए प्रॉपर, आप कंटेंट पे ध्यान दीजिए, किसी की आवाज़ पर ध्यान मत दीजिए।